लास्ट क्लास में तुम लोगों ने क्या अब तक देख लिया है, मैंने आपको ना ये पढ़ाया था कि द्विसंकर कैसे होता है ना, तो द्विसंकर में अनुपात कितने, 9, 3, 3, 1 है कि नहीं। द्विसंकर में क्या हम लोग क्या देखते हैं, द्विसंकर में हम लोग ये देखते हैं कि एक साथ दो लक्षण, एक साथ इसलिए नाम क्या द्विसंकर है ना, और एक एकल संकर होता है उसमें क्या होता है एक लक्षण देते हैं ना, उसमें हमने उसमें केवल हाइट देखा था, आप उसमें हाइट के स्थान पर ना रंग या फिर फूलों की स्थिति कहां पर है अंत या फिर अक्षय है ना वो भी ले सकते हैं। बहुत बार ना ऐसा करता है हाइट ना दे करके ना रंग डाल देगा वो, कि बोलेगा पर्पल रंग का फूल है, क्या है पर्पल है ना, क्या बोलते हैं पर्पल बिंदी में बैंगनी, तो बैंगनी फूल हो गया और सफेद फूल हो गया, सफेद फूल हो गए है कि नहीं। तो सफेद को व्हाइट दिखा लो डब्ल्यू से, दोनों आपकी मर्जी ठीक है ना। पर्पल को मान लो आप लोग दिखा लो वी से मत दिखाओ, चलो पी दिखा लो, दोनों पी हो गए बैंगनी और ये हमारे हो गए क्या व्हाइट हो गए है कि नहीं, छोटा व्हाइट हो गया। अब बताओ इसकी पहली पीढ़ी में जो बनेंगे फूल कैसे बनेंगे, सारे बैंगनी होंगे, और अगर वो बैंगनी फूल वाले बनेंगे तो उसमें सफेद गुण होंगे, सफेद गुण होंगे लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे आपको ना, वो अप्रभावी रहेगा, और जो दिखाई देगा वो प्रभावी रहेगा है ना। लेकिन जब उन्हीं को फिर से बोधेंगे, जब फिर से उगेगा उसमें एक सफेद फूल दिखाई देगा, बाकी तीन पर्पल दिखाई देगा, मतलब एक दिखाई देगा ना। तो आपको ना ऐसे करना आना चाहिए, बहुत से बच्चे ना क्या होते हैं यार रट के बैठ जाएंगे सफेद वाले का, सॉरी हाइट वाले का, टीटी वाले का ना, पेपर में टीटी ना आकर के रंग वगैरह आ जाता है, तब बच्चे कर नहीं पाते हैं, तब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो जिनके कंसेप्ट नहीं होते क्लियर वो ऐसे ऐसी गलतियां करते हैं। अब हमको देखना है द्विसंकर, क्या देखना है द्विसंकरण में क्या होता है कि हम लोग दो लक्षण एक साथ देखते हैं। देखो भाई आप लोग क्या करते हो, पहली पीढ़ी के अंदर आप लोग क्या लेते हो, आर और आर क्या लेते हो, स्प्लिट कर रखा ना ये मैंने, तो इसलिए ऐसा सुना रहा है। देखो अब आपने इसमें क्या लिया, आर लिया और आर लिया और साथ में क्या लिया बाई बाई, यानी कि गोल और पीला, गोल पीला बीज लिया, गोल मतलब उसका आपने आकार देखा, पीला मतलब आप लोगों ने उसका रंग देखा। अब झुरीदार और हरा, दोनों आर स्मॉल और वाई हमारा स्मॉल, ये क्या हुआ हरा, झुरीदार साथ में हरा ठीक है ना, आपस में क्या होंगे संकरित हो जाएंगे, और संकरित होने के बाद में क्या होगा युग्मक जो आपको मिलेंगे, युग्म है ना, युग्मक वो आपको क्या होगा आर वाई मिलेगा, मतलब गोल और पीला, गोल और पीला मिलेगा ठीक है ना। देखो ऐसे मिलेंगे युग्मक, और फिर यहां से आपको क्या होंगे चार प्राप्त होंगे अलग अलग, चार क्या होंगे पीला है ना फूल, तो आर आर और वाई वाई सारे गोल और पीले मिलेंगे पहली पीढ़ी में, किसमें पहली पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में क्या होंगे सारे गोल मिलेंगे और पीले, यानी कि गोल और पीला मटर का दाना प्राप्त होगा ठीक है ना, समझ में आया। ये तो आप लोगों ने समझ लिया, अब हमको इसके पहली पीढ़ी को फिर से बो देना है, तो दूसरी पीढ़ी प्राप्त होंगे वो कौन से प्राप्त होंगे, देखो ध्यान से, अब इसको मिटा दूं यानी कि आर आर हमारे पास में आएगा। अब देखो दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, दूसरी पीढ़ी में क्या होगा स्वपरागण, क्या होगा यानी कि आपको इसमें क्या करना है स्वपरागण करना है, स्वपरागण तो उसमें क्या होंगे, उसमें होंगे कितने चार, और चारों के आपस में हो जाएंगे, इसमें मोर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसमें चार कौन कौन होंगे, देखो ये होंगे चार आपके पास इसमें, एक तो आपके पास जो युग्मक आएगा ये आएगा आर और आर ठीक है ना, और कौन आएगा बताओ आर और ये आएगा, फिर आपके पास में आर और ये वाला वाई आएगा ठीक है ना, और साथ आपका आर और आएगा, ये चार बनेंगे युग्मक पहली पीढ़ी के ठीक है ना, ये चार युग्मक बनते हैं पहली पीढ़ी के, समझ में आ रहा है, पहली पीढ़ी में था ये सारे सारे गोल पीले, पीले गोल है नहीं, ये भी पीला गोल, ये भी पीला गोल, अब ये आपस में जाएंगे क्या संकरित हो जाएंगे आपस में, ये आपस में क्या हो जाएंगे संकरित, तो 16 बनेंगे, 16 कितने बनेंगे भाई 16, देखो कौन-कौन से बनेंगे, देखो भाई अरे बोलो मत, देखो इस प्रकार से ठीक है ना, संकरण का चिन्ह है ये, देखो आर वाई भर दो इसमें, आर वाई भर दो इसमें, आर वाई ठीक है ना, गलत कर दिया तुमने, सेम भर दिया ना, गलत हो गया, देखो आर वाई, आर वाई और इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया आर और ये वाई ठीक है ना, ये सब बनेगा एक्स्ट्रा, तो ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये हमको नहीं चाहिए, देखो ऐसे इधर आर वाई, आर वाई
आर वाई और यहाँ पास आर वाई, ये चार क्या अलग अलग युग्मक है जो क्या होंगे स्वपरागण करेंगे, समझे आप लोग। अब देखो अब आपको क्या करना है बनाना है, देख इसकी गुना करेंगे पहले इसमें, तो इसमें आर दो बार है ना, दो आर हो गए कैपिटल, दोनों वाई कैसे हो गए कैपिटल हो गए। देखो तो गोल और पीला, गोल और पीला, तो गोल और पीला है ना, तो मैं इसको पीले रंग से ही बनाऊंगा ताकि पहचाने में बाद में दिक्कत ना हो। तो हमारे पास क्या हो गया आर आर वाई वाई, अब इसकी इंटू कहां पर होगी इसमें होगी, तो आर कैपिटल आर स्मॉल हो गया, वाई कैपिटल वाई स्मॉल, तो गोल और पीला छोटा वाला तो क्या है अप्रभावी है ना, इसलिए अब इसकी इंटू कहां होगी इधर होगी, तो आर और यहां से भी आर ये वाई, तो गोल तो ये हो गए पीले हो गए। अब इधर को ध्यान से, अब यहां आर फिर से आर बन गया वाई और ये वाई, गोल और पीला, अब इसकी इंटू यहां पर होना है आर कैपिटल भाई दूसरे में है। हाँ ये देखो गलती में पड़ गई ना, अब यहां पर ये गलती हो गई, ये वाई का जाएगा तुम्हारा कैपिटल स्मॉल जाएगा ना, तो अब इसको चेंज करो इसको यहां से, तो अब इसकी यहां पर हुई तो क्या आ गया दोनों वाई कैपिटल आएगा, दोनों वाई क्या आएगा कैपिटल आएगा, दोनों वाई कैपिटल, इसकी इंटू यहां पर करनी है, आर तुम्हारा एक तो कैसा आएगा कैपिटल है ना भाई, आर तो सही है कैपिटल, अच्छा हाँ ठीक है, तो वाई में तुम्हारा कैपिटल, तो गोल और पीला बन गया, तो है ना गोल और पीला झुरीदार पीला हो गया, तो ये हम सुन, अच्छा यहां देखो ध्यान से इधर, इसमें क्या आएगा इसमें एक आएगा तुम्हारा वाई कैपिटल है ना, हाँ तो गोल और पीले बन गए, अब ये गोल और पीले बन गए, अब इसमें यहां पर एक कैसा आएगा कैपिटल आएगा, अब ठीक है सब है ना, अब गिनो, अब देखो तो अब जो आएगा तुम्हारा गोल और पीले कितने हुए, देखो ये भाई ठीक कर लेना, ठीक है ना ये ठीक कर लिया मैंने, देखो गोल और पीला गिनो एक दो तीन चार पांच छ छ छ हो गए, सात आठ और ये नौ हो गया ना, नौ हो गए गोल और पीला, और क्या होता है हमारे पास में झुर्रीदार पीला और पीला, तो झुर्रीदार पीला गिनो कितना है, झुर्रीदार ये हो गया पीला एक इधर हो गया, झुर्रीदार पीला गिनो झुर्रीदार पीला ये है दो हो गए और कहाँ इधर झुर्रीदार पीला तीन तीन हो गए है ना, झुर्रीदार पीला हो गया, अब कौन आएगा झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा ये हो गया झुर्रीदार हरा एक इधर हो गया झुर्रीदार हरा कहाँ है झुर्रीदार एक ही होता है एक ही मिलेगा लास्ट में, अब कौन आएगा हाँ गोल हरा, गोल हरा कितना है गोल हरा एक हरा एक गोल हरा इरा दो एक तीन और फटाफट मिल गया तो है ना, तो इसका अनुपात आपने जो गोल हरा पीला क्या देखा ये तुमने देखा उसका फिनोटाइप रेशियो है ना, फिनोटाइप अनुपात, तो फिनोटाइप अनुपात क्या बना इसका फिनोटाइप अनुपात ये कितना हो गया नौ अनुपात तीन अनुपात एक है ना, अच्छा तीन दो बार आएगा ना, नौ अनुपात तीन अनुपात एक समझ में आया, तो ये क्या हो गया हमारे पास में फिनोटाइप अनुपात है ना, तो ये द्वि संकर करना तुमको आना चाहिए, पेपर में आ जाता है ना, ये मैंने आपको ना करके दिखाया इसलिए क्योंकि आपको ये करना आना चाहिए था, आपको ये करने होते हैं सेलेक्ट, ये पहली पीढ़ी से आए हैं युग्मक, इनको आपस में हम लोगों ने पोलिनेशन करवा दिया ठीक है ना, तभी हमें प्राप्त हो गए। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है कि ये जो होते हैं लक्षण कैसे प्रदर्शित करते हैं ना या व्यक्त करते हैं, टॉपिक कैसे अगला हमारा कि ये लक्षण कैसे व्यक्त करते हैं है ना, तो जो अगला टॉपिक है वो क्या है लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, मतलब कहने का यह है कि जो लक्षण होते हैं जैसे मान लो आपने क्या लिया था एकल संकर में टीटी और स्मॉल टी लिया लंबा और एक बोना, उनके बीच में जब हुआ पोलिनेशन तब क्या बना आपको सब लंबे मिले, तो लंबे क्यों बने बोने वाले कहाँ गए है ना, तो मेंडल जो है ना यही सोच करके कंफ्यूज था, अब उस मेंडल ने क्या करा उसका अध्ययन और अच्छे स्तर पे किया उसने गहरे उस पर करा ठीक है ना, विचार विमर्श करा सोचा समझा एक्सपेरिमेंट करे तब निष्कर्ष निकाला कि कोशिका के डीएनए होते हैं, क्या होते हैं डीएनए पढ़ रहे पहले आप लोगों ने पढ़ रहे ना, कोशिका होता है उसमें केंद्रक होता है, केंद्रक में होते हैं क्रोमोसोम जो धागे जैसी संरचना होती है और उसके अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए के अंदर कौन होते हैं जीन, तो डीएनए की संरचना रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन होती है जीन,
क्वेश्चन ये पूछता कि अनुवांशिकता के अंदर रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कौन होता है, नाम बताओ, ये नाम लिखो तो जीन लिख दोगे ना, तो जीन होता है। अब जीन क्या होता है, सूचना का स्रोत होता है। स्रोत मतलब होता है कि वही सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है कि नहीं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे श्वसन, तो उसमें था क्या, जो होमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को बांध लेता है और बांध करके ग्लूकोज तक पहुंचाता है, तो वो वाहक होता है किसका, ऑक्सीजन का। ऐसे ही डीएनए के अंदर जीन होता है सूचना का वाहक, उसको क्या करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। और फिर क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी प्रोटीन बनता है, और वो जो प्रोटीन बनता है विभिन्न लक्षणों के प्रोटीन बनते हैं, अलग अलग लक्षण के प्रोटीन बनते हैं, ठीक है ना। क्या बोलता है, प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। यहां पर क्या रहा है, अभिव्यक्ति मतलब उसका खुद का अधिकार, ठीक है ना, उसका खुद का स्वयं का लक्षण प्रोटीन क्या करता है, बना करके ले जाता है। एंजाइम वो हार्मोन होते हैं प्रोटीन में, कौन होते हैं, अब आप क्या पढ़े थे, टी है ना, टी कौन था, प्रभावी लक्षण, और जो स्मॉल टी था वो क्या था, यानी स्मॉल टी प्रोटीन नहीं बनाएगा, कैपिटल टी जो है लक्षण वो बनाएगा प्रोटीन। अब तुम्हारे घर में क्या है, दो भाई बहन है, एक बहन बड़ी एक बहन छोटी, खाना पहले कौन बनाती है, बड़ी बनाती है ना, बड़ी क्या है, प्रभावी है, छोटी क्या है, छोटी है, तो वो थोड़ी बनाती है खाना, है कि नहीं। तो ऐसे यहां पर हो रहा है, छोटा टी है प्रभावी हो गया, वो खाना नहीं बनाएगा, मतलब वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो क्या होता है, एंजाइम का दक्षता से कार्य करना, मतलब बड़ा टी जो होता है ना, वो मतलब वो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय होता है, वो पहले आकर काम करता है कि नहीं। फिर क्या होता है, हार्मोन बनाता है किसमें, पर्याप्त मात्रा में, कौन, कैपिटल टी, हार्मोन बनता है, और हार्मोन बनने से क्या होता है, पौधे लंबे हो जाते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। अब मान लो दो बहनें हैं, एक बड़ी है, उससे चार बजे उठ गई, दक्षता से उठ गया, मतलब कि जल्दी से उठ गई, प्रभावी है ना ये, उठ करके क्या किसने बर्तन वर्तन बांधा, पानी वानी भर लिए, हार्मोन बन गया। तो ऐसी कैपिटल टी ने किया, फटाफट से हार्मोन को बना दिया, और फिर झटपट खाना बन गया, पौधे लंबे हो गए, पापा ने खा गए, चले काम पे, छोटी वाली सोई रही अभी तक, है कि नहीं, उसको चार पांच बेलन मारेंगे तब उठेगी वो, अब तक नहीं उठी वो। ऐसे होता है यहां पर भी, तो कैपिटल टी प्रभावी है, फटाफट से क्या करता है, दक्षता से, मतलब कि एक्टिव होकर के जिम्मेदारी से काम करता है, हार्मोन को बनाता है, और बनाने के बाद क्या होता है, पौधे लंबे हो जाते हैं। अब टी हो गया छोटा वाला टी, प्रभावी होता है, एंजाइम का दक्षता से कम कार्य करता है ना, उसके अंदर इतना एक्टिवनेस नहीं है, आलसी है छोटा टी, है कि नहीं, जल्दी उठते नहीं है। तो छोटा टी क्या हो गया, छोटा टी है प्रभावी है, एंजाइम को ऊपर काम करता है, आलसीपन में दक्षता कम होती है उसकी। अब अगर ठीक से काम ही नहीं करेंगे तो क्या हार्मोन बनेगा, नहीं बनेगा ना, हार्मोन नहीं बने तो वो बोना रह गया, है कि नहीं। अब जो जितना जल्दी उठ के पढ़ेगा उसके नंबर अच्छे आएंगे, जो सोता रहेगा सात बजे तक कहाँ पढ़ेगा, गुलशन देख लो, नहीं आया तो उसके नंबर नहीं अच्छे आएंगे, क्यों, आलसी हो गया, बोना रह जाएगा वो पढ़ाई में, है कि नहीं। ऐसे काम करता है देखो ये, यानी कि छोटा टी होता है प्रभावी, वो क्या करता है, एंजाइम के ऊपर कार्य नहीं करता है, तो वो पढ़ता नहीं है ना, तो नहीं पढ़ता तो नंबर अच्छे नहीं आते। तो यहाँ पर एंजाइम पे काम अच्छे से नहीं कर पाता है, हार्मोन फिर नहीं बनेगा, पढ़ेगा नहीं उठ करके तो याद नहीं होगा तो पेपर में क्या लिखेगा, बाबा जी का ठुल्लू लिख नहीं पाएगा ना, फिर वो नंबर कम आएंगे, फेल हो जाएगा। तो बौने पौधे हो गए वहां पर, पढ़ाई में नंबर अच्छे नहीं आएंगे। अब आता है लिंग का निर्धारण, क्या आता है, उससे पहले हम लोग ना ये जो है इसको हम लोग एक बार पीपीटी में देख लेते हैं, ठीक है ना, किसमें, पीपीटी में आपको ना पूरा पत्ती के अंदर कैसे हार्मोन बना होगा वगैरह वगैरह दिखाएगा, ठीक है ना, तब मजा आएगा ज्यादा समझने में। देखो अब इसमें क्या है हमारे पास में, कि ये जो अनुवांशिकता होता है ये कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और जीन कैसे काम करता है ना, अभी तुम लोगों ने वो समझा जो लिखा हुआ था, अब आप उसको देखो इसके पीपीटी के माध्यम से। अब गमले में है सुंदर पौधा, आ गया ये स्कैनर, ये स्कैन करके आपको दिखाएगा, क्या दिखाएगा भाई साहब, ये देखो, देखो दिख गया सबको, ये पौधे के अंदर कोशिका है, क्या है, कोशिका, कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। अब क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, और नाभिक में क्या है, क्रोमोसोम, ऐसा दिखता है। तो उसको आप देखो ध्यान से करके जूम, इसमें क्या है, धागे जैसी संरचना, वो उसके अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर कौन होता है, जीन होता है, क्या होता है, देखो ये आपको दिखा रहा है, ये डीएनए है, डीएनए, अब ये जी क्या है, ग्वानिन होता है, टी क्या होता है, ट्राइसिन, ये सब क्या है, ये सब ना कॉर्ड होते हैं, अभी आपको नहीं सीखना, आगे आएगा 11th और 12th क्लास में, ठीक है ना, आप उसको फिलहाल छोड़ दो, ये डीएनए हो गया। अब देखो डीएनए का एक सेक्शन काटा, काट लिया, उसमें कौन है, जीन, अब जीन क्या होता है, कॉर्ड करता है प्रोटीन के लिए, जैसे कि हम लोग फोन वगैरह में ऐप देखते हैं, गेम देखते हैं, तो ये सब किस एप्लीकेशन देखते हैं, वेबसाइट देखते हैं, ये सब बनता है कोडिंग से, किससे, कोडिंग करते हैं, कि इसके लिए कोड ये रहेगा,
और इसका कोड ये रहेगा। ऐसे प्रोटीन बनने के लिए कोडिंग करते हैं, कोडिंग कौन करता है, जीन करता है। अब यहां पर जो सी आर आई, जी आर आई, टी आर आई, ये सब कोड होते हैं, ठीक है ना। अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं अलग अलग, एडिनोसिन होता है, ठीक है ना, ये सब होते हैं, ग्वानिन होता है, मेलानिन होता है, ये सब कौन होते हैं, ये सब होते हैं कोड, ठीक है ना। और ये जीन के अंदर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन या फिर एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, जो काम उत्प्रेरक का होता है ना, वही काम एंजाइम का भी होता है, कैटलिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। ये हमारे पास क्या, देखो ध्यान से, ये जीन हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करें, प्रोटीन फॉर्म करता है अ नेचर, यानी ट्रेट, लक्षण। ये क्या है, लक्षण, प्रोटीन लक्षण को बनाता है। देखो ऐसा बन गया, एक लक्षण बन गया, किसने, प्रोटीन, प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन को किसने बनाया, जीन ने, कोडिंग करके, ठीक है ना। अब क्या हुआ इसके अंदर, अब देखो इसमें क्या हुआ, अब हमको ये एग्जांपल से समझ आए। मान लो हमारे पास एक कोशिका है, क्या है, गमले के अंदर क्या है, हाँ कोशिका है, यहां पर क्या बना, नाभिक, नाभिक में डीएनए, ठीक है ना। देखो ये आया क्रोमोसोम में, क्या है, डीएनए, और डीएनए के अंदर कौन है, जीन, समझे आप लोग। एक पार्ट को जीन कहते हैं, जीन कोड करता है, एंजाइम बनता है उससे, जो कि प्लांट के अंदर लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। जो प्रोटीन बनाता है जीन, वो उसके अंदर हार्मोन वगैरह होते हैं, आपने अभी देखा, और हार्मोन की वजह से क्या होता है, लंबाई उसकी बढ़ती है। ये आ गया प्रोटीन, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ध्यान से, प्रोटीन या एंजाइम बना लंबा हुआ पौधा, लंबा क्यों हुआ, दिस एंजाइम प्रोड्यूस हार्मोन। अब ये जो एंजाइम बना है प्रोटीन, वो क्या करता है, हार्मोन को उत्पादन करता है, हार्मोन को बनाता है, और वो अगर हार्मोन बनता है तो क्या करता है, प्लांट ग्रोथ करता है, प्लांट की लंबाई बढ़ती, वृद्धि होती लंबाई में। अब अगर लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तब क्या होता है, प्लांट लंबा होता है, समझे आप लोग। ऐसे काम करता है कौन, जीन। तो इफ जीन हैज एन अल्टरेशन, अगर जीन के अंदर कोई क्या आ गई, उसके अंदर एरर आ गया, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई उसमें, ठीक है ना, अल्ट्रेशन आ गया, डिफेक्ट आ गया, तब क्या होगा, तब ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता। वो देखो क्या हुआ, ये जीन है, तो जीन के अंदर क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, अल्ट्रेशन आ गया, एरर आ गया, उससे क्या होगा, इट मेक द एंजाइम लेस इफिशियंट। अब ये जो उसके अंदर एरर आया है, उसकी वजह से एंजाइम जो होगा अच्छे से काम नहीं करेगा। जब अच्छे से काम कर ही नहीं पाएगा पूर्ण क्षमता के साथ में, दक्षता के साथ में, तो क्या होगा, हार्मोन प्रोड्यूस कम होगा, हार्मोन प्रोड्यूस कम होगा, ठीक है ना। और अगर कम होगा प्रोड्यूस हार्मोन, तो इसके अंदर लक्षण भी कम आएंगे, लक्षण भी कम। देखो पहले से छोटा पौधा है, सो द प्लांट विल बी शॉर्ट, जो पौधा बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अब छोटा पौधा बन गया, ठीक है ना, थैंक यू, हो गया यहां पर, है ना, क्लियर, समझ में आया। ऐसे प्रोटीन क्या होता है, लक्षण को स्थानांतरित करता है एक से दूसरी पीढ़ी में, समझ आया सब लोगों को। ऐसे हमारा खत्म हुआ, ठीक है ना। अगली क्लास में अपन लोग, अगला हम लोग देखेंगे लिंग निर्धारण, क्या देखेंगे कि कैसे लड़के बनते हैं, कैसे लड़की बनती है, ठीक है ना। लड़का ही क्यों हुआ, लड़की क्यों नहीं हुई, लड़की क्यों हुई, लड़का क्यों नहीं हुआ, है ना, ये सब बातें होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।